This is the Bowring Hospital in Bengaluru, a premier government-run medical institution used by those who cannot afford treatment in private hospitals. But what Times Now found out in the pursuit of its relentless campaign against the VVIP culture is plain shocking. VVIP culture clearly not limited to just roads in Bangalore. Even in the city's government hospitals, special wards, which are named as VIP wards, are clearly demarcated, where anybody who can pass themselves off as VIPs get special amenities that are denied to common citizens. The VVIP Raj in Bengaluru's government hospitals does not end there. Your channel even got the high-handedness of these self-proclaimed VVIPs on camera. Here the Aam Aadmi has to queue up and fight to get a ward allotment. But look at this, a special VVIP ward, completely empty. And the rooms locked without patients. यहाँ पे बार बार पूछने से भी नहीं मिलता, इधर वार्ड पे भेजते हैं उधर वार्ड पे भेजते हैं, हमारे को नहीं लगता। वो तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उनको तो इजी से मिल जाता है, बोलने से फ़ोन में ही बुक हो जाता है। डिलीवरी होकर यहाँ पे बच्चे लोग हैं, वहाँ पे छोटे छोटे चूहे सब घूम रहे हैं, काको तो छोटा छोटा काको तो चूहे, वो सब पूरा ही हो रहा है। यहाँ पे बहुत ये है, नीटनेस नहीं है। जो बड़ा लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वही जो आते हैं उनको तो मामूली एक कुछ भी या खाली ऐसा खान दिया तो उनको VIP वार्ड में डालते हैं, आराम से TV दिखाते हैं, सोफा रखते हैं, सब स्पेशल वार्ड है। जो लेबर वार्ड में इतना गंदगी है, इतना गलीज है, बाथरूम तो एकदम गलीज है, होना तो आप एक टाइम राउंड करके एक चेक करके देखिए। सो डू पीपल लाइक हिम, ड्यूबियस पॉलिटिशियंस डिजर्व द VVIP वार्ड? और डू पीपल लाइक जमीर डिजर्व ट्रीटमेंट? क्या कि यहाँ पे बार बार पूछने से भी नहीं मिलता, इधर वार्ड पे भेजते हैं उधर वार्ड पे भेजते हैं, हमारे को नहीं लगता। वो तो बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, उनको तो इजी से मिल जाता है। इट्स टाइम टू ब्रेक द बैरियर्स एंड एंड द VVIP राज इवन इन हॉस्पिटल्स। विद पूजा प्रसन्ना इन बैंगलोर, मधुसूदन फॉर टाइम्स नाउ।